हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो हम लोग इसमें क्या क्या जानेंगे, व्हाट आर डेजर्ट्स, डेजर्ट क्या है, रेगिस्तान किसे कहते हैं, एंड द सेकेंड टॉपिक इज़ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट महान भारतीय रेगिस्तान के बारे में जानेंगे, और तीसरा टर्म जो पढ़ेंगे वो लाइफ इन द रीजन, उस रीजन में जो लाइफ है वो कैसी होती है। तो चलिए पहले टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर डेजर्ट्स, रेगिस्तान किसे कहते हैं। डेजर्ट्स आर एरियाज विच रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान वो जगह जहाँ पर बारिश जो है बहुत ही कम होती है, और डेजर्ट में टेम्परेचर तापमान की बात की जाए तो डेजर्ट में तापमान जो है बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक या फिर बहुत ही कम होता है। और डेजर्ट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक कोल्ड डेजर्ट और एक हॉट डेजर्ट, गर्म मरुस्थल और ठंड मरुस्थल के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट है और एक गर्म डेजर्ट जो है वो रेगिस्तान थार डेजर्ट जो है राजस्थान की साइड पड़ता है। आप लोग यहाँ पर डेजर्ट की पिक्चर को देख सकते हैं, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। पहला पिक जो है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसके बारे में चलिए जानते हैं। बात अगर हमारे कंट्री के डेजर्ट एरिया की जाए तो हमारे कंट्री में डेजर्ट एरिया जो है वो वेस्टर्न राजस्थान की तरफ पड़ता है, जिसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग वेस्टर्न डेजर्ट भी कहते हैं, पश्चिमी रेगिस्तान। इसे हम वेस्टर्न डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, पश्चिमी रेगिस्तान। इंडियन डेजर्ट जो है वो अरावली हिल्स से घिरा हुआ है ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ, और राज्य में पंजाब और हरियाणा जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, और पाकिस्तान का डेजर्ट एरिया जो है वो वेस्ट की तरफ है। और क्या आपको पता है, अरावली रेंजेस जो है, रेंजेस आर द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में अरावली रेंजेस जो है सबसे पुराना माउंटेन सिस्टम है। द डेजर्ट इज़ कवर्ड बाय सैंड ड्यून्स और सैंड हिल्स। राजस्थान जो है वो सैंड ड्यून्स और सैंड हिल्स से ढका हुआ है, यानी कि बालू के टीले और रेत की पहाड़ियों से ढका हुआ है। तेज हवाओं की वजह से ये जो बालू है, रेत जो है, डस्ट स्टॉर्म्स वहाँ पर कॉमन है, यानी कि रेत का तूफान जो है बहुत ही कॉमन है, क्योंकि वहाँ पर एक भी वेजिटेशन नहीं है जो सॉयल को पकड़ सके। इस गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से और बहुत ही कम बारिश होने की वजह से वहाँ पर बहुत ही कम, वेरी लिटिल वेजिटेशन, बहुत ही कम पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। कुछ पेड़ पौधे इस तरह के डेजर्ट में जैसे कैक्टी, कीकर, प्रिकली पियर, बबूल, ये सब पेड़ जो है वो पाए जाते हैं। और हाँ, ये सब जो पेड़ है ये काफ़ी कम पानी लेते हैं बढ़ने के लिए, इसलिए ये सब जो पेड़ है इस जगह पे, गर्मी वाले जगह पर पाए जाते हैं। और स्प्रिंग के समय में कुछ जगहों पर अंडरग्राउंड वाटर सतहों पर, सरफेसेस पर नज़र आते हैं, उसे हम ओएसिस कहते हैं। और वहाँ पर कुछ वेजिटेशन देखने को मिलते हैं, जैसे खजूर के पेड़, कुछ झाड़ियाँ, ये सब जो है वहाँ पर ओएसिस के पास नज़र आती है। ओएसिस का मतलब होता है नखलिस्तान। और ओएसिस के पास कुछ फसल वगैरह जो है वो उगाए जाते हैं, जैसे वीट, मेज, मिलेट, ग्राम, ये सब जो है ओएसिस के पास उगाए जाते हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से द ग्रेट इंडियन डेजर्ट रीजन जो है वहाँ पर घनी आबादी देखने को नहीं मिलती। जो भी लोग वहाँ रहते हैं काफ़ी मुश्किल से वहाँ रह पाते हैं। और भारत सरकार के द्वारा एक इंदिरा गांधी कैनाल बनाया गया जो सतलज नदी के पानी को राजस्थान पहुंचाती है की मदद से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी कैनाल, जिसमें सतलज नदी का पानी जो है राजस्थान जो है वो पहुंचाया जाता है कैनाल की मदद से। दिस हैज हेल्प्ड फार्मर्स टू ग्रो व्हीट, जौर एंड बाजरा इन राजस्थान। ये जो कैनाल है इसकी मदद से, इस पानी की मदद से जो किसान है वो व्हीट, जौर, बाजरा, ये सब जो है उगाते हैं राजस्थान में। चलिए अब जानते हैं लाइफ इन द रीजन, उस रीजन में लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है वो कैसी है। पीपल लीड अ टफ लाइफ इन द थार डेजर्ट की तरफ लोगों की ज़िंदगी जो है काफ़ी कठिन है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है वहाँ रहना। और इस रीजन में मेन ऑक्यूपेशन, मुख्य व्यवसाय जो है एग्रीकल्चर नहीं है, बल्कि वे लोग मवेशी वगैरह को पालते हैं, जैसे कैमल, गोट, सीप, है ना, कैमल, ऊँट, बकरी, भेड़, ये सब वो लोग पालते हैं, जिससे वे लोग कुछ कमाई भी कर लेते हैं। वे लोग कहीं पे भी जाने के लिए कैमल ऊँट का सहारा लेते हैं, कैमल काट ऊँट गाड़ी का सहारा लेते हैं, और ओपन जिप से कहीं पे भी जाते हैं। लगभग जो गांव और शहर जो वो पाए जाते हैं ओएसिस के जस्ट पास ही। रेगिस्तान में लोग कैमल के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, कहीं पर भी जाना होता है ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। इस वजह से कैमल को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। एंड राजस्थान की कल्चर की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है वहाँ। इस रीजन में लोगों को संगीत और म्यूज़िक, ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद है। डेजर्ट एरिया में जो म्यूज़िक लविंग जिप्सीज हैं उन्हें हम बंजारास कहते हैं। और बंजारा वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह बिजनेस के पर्पज़ से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव।
जो डेजर्ट फैमिलीज़ में फूड सप्लाई का काम करते हैं और भी अन्य तरह के सामानों को पहुंचाने का काम करते हैं। रेगिस्तान में पानी जो है काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी प्रीसियस है, काफ़ी महंगा है। वहाँ की महिलाएं फोक सॉन्ग्स लोक गीत गाती है जब वो पानी के लिए बहुत दूर जाती है, उसे हम लोग पनिहारी म्यूज़िक कहते हैं। डेजर्ट रीजन में रेगिस्तान के एरिया में ज़्यादातर जो घर है वो फ्लैट रूफ्स यानी कि समतल। मोस्ट हाउसेस इन द डेजर्ट रीजन हैव फ्लैट रूफ्स एंड स्मॉल विंडोज़। लगभग रेगिस्तान के एरिया में आपको फ्लैट रूफ मिलेगा और छोटे छोटे खिड़की देखने को मिलेंगे। और रेगिस्तान के घरों के दीवारों की बात की जाए तो काफ़ी मोटा होता है ताकि जो गर्मी है वो ज़्यादा ना रहे और रूम जो है, हाउस जो है, घर जो है वो काफ़ी ठंडा रहे। रेगिस्तान में कुछ घरों में तो अंडरग्राउंड टैंक तक भी बनाए जाते हैं ताकि पानी को वे लोग स्टोर कर सके, पानी को वे लोग जमा करके रख सके। राजस्थान के लोग चमकीले ब्राइट कलरफुल क्लॉथ जो है, चमकीले कलरफुल ड्रेस पहनना पसंद करते हैं। मैन की बात की जाए, पुरुष की बात की जाए, तो वे लोग धोती कुर्ता और कलरफुल टर्बन यानी कि एक कलरफुल रंगीन पगड़ी पहनते हैं। और महिलाएं जो है घाघरा चोली उसके साथ ओढ़नी अपने सर को ढकने के लिए लेती हैं। और इस एरिया में कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो है मनाए जाते हैं जैसे तीज, गंगौर, होली, दिवाली, दशहरा। राजस्थान के कैपिटल सिटी की बात की जाए तो जयपुर है। और राजस्थान में मेन सिटीज़ की बात की जाए जैसे अजमेर। और राजस्थान की मेन सिटीज़ की बात की जाए, मुख्य शहर की बात की जाए तो अजमेर है, उदयपुर है, जोधपुर है और जैसलमेर है। ये कुछ मेन शहर है, मेन सिटीज़ हैं। और राजस्थान में फेमस हिल स्टेशन की बात की जाए तो माउंट आबू है जो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में कुछ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात की जाए तो रणथंभौर हो गया, भरतपुर हो गया और सिरसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। ये सब कुछ सेंचुरीज़ जो है काफ़ी फेमस हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब हो गया वन्य जीव अभयारण्य, यानी कि जंगल में जो जानवर पाए जाते हैं ये सब। इसमें एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इमेजिन दैट यू डू नॉट हैव वाटर सप्लाई इन योर होम फॉर सम डेज। जरा सोचिए कि आपके घर में कुछ दिनों तक पानी ना आए तो किस तरह की समस्याएं जो है आप फेस करेंगे, वो सब आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं, इसके आंसर आप लोग जरूर दें। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसमें, हम लोगों ने जाना द वेस्टर्न डिजर्ट इज़ अ लार्ज, काफ़ी बड़ा है, ड्राई रीजन है, सूखा एरिया है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। एंड और हम लोगों ने जाना कि थार डिजर्ट में लैंड वाला हिस्सा, भूमि वाला जो हिस्सा जो था वो सैंडी और रॉकी था, रेत और पत्थर से भरा पड़ा था। और हम लोगों ने ये भी जाना कि द ग्रेट इंडियन डेजर्ट रीजन में बहुत ही कम पॉपुलेशन देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल है। और डेजर्ट रीजन में ज़्यादातर जो घर देखने को मिले वो फ्लैट रूफ समतल छत वाले घर देखने को मिले और छोटे छोटे खिड़कियाँ देखने को मिली। और राजस्थान में जो मेन सिटीज़ की बात की जाए, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर जो था वो मेन सिटीज़ था, मुख्य शहर था राजस्थान का। चलिए हम लोग सेक्शन वन के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। व्हाट आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान का मुख्य त्यौहार कौन कौन सा था। व्हाट आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान का मुख्य त्यौहार कौन कौन सा है, तो गंगौर, तीज, होली और दिवाली। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के हिल स्टेशन का नाम क्या था, तो माउंट आबू। द नेम ऑफ द हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान इज माउंट आबू। टिक द बी वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज, ग्रेट इंडियन डेजर्ट को और किस नाम से जानते हैं, तो थार डेजर्ट और वेस्टर्न डेजर्ट के नाम से जानते हैं। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, विच सिटी अमंग दीज इज नॉट इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट रीजन। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन में आपको ये बताना है कि आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट में कौन कौन से सिटी जो है नहीं आते हैं। तो जयपुर आता है, अजमेर आता है, लेकिन बेंगलुरु नहीं आता है, ये हैदराबाद रीजन का है। द लूज सैंड फॉर्म्स दीज इन अ डेजर्ट, लूज सैंड फॉर्म को डेजर्ट में क्या बोलते हैं, तो ड्यून्स बोलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि राजस्थान किस लिए फेमस है, राजस्थान फोर्ट्स के लिए फेमस है, किले के लिए फेमस है। चलिए अब हम लोग करते हैं सेक्शन टू के कुछ क्वेश्चंस को भी, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। डेजर्ट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, रेगिस्तान के एरिया में बहुत ही कम बारिश देखने को मिलती है। द डेजर्ट इज कवर्ड बाय सैंड हिल्स और सैंड ड्यून्स, रेगिस्तान जो है वो किस चीज़ से ढका हुआ है, तो सैंड हिल्स और सैंड ड्यून से ढका हुआ है। द पीपल इन अ डेजर्ट लीड अ डिफिकल्ट लाइफ, रेगिस्तान के लोगों की जो जिंदगी है काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी मुश्किल भरी है। एग्रीकल्चर इज नॉट द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ राजस्थान, राजस्थान के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन, मुख्य व्यवसाय जो है एग्रीकल्चर नहीं है। उन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो वे लोग कैटल रियरिंग करते हैं, मवेशी को पालते हैं, उनसे वे लोग पैसे कमाते हैं, जैसे भेड़, बकरी,
ऊँट ये सब जो है उनसे दूध वगैरह ये सब जो है इनका व्यापार वो लोग करते हैं, इनसे पैसे वो लोग कमाते हैं। और राजस्थान की कैपिटल सिटी क्या है? तो जयपुर है। चलिए अब हम लोग ट्रू और फॉल्स को देख लेते हैं। वी फाइंड एक्सट्रीम टेम्परेचर इन अ डेजर्ट। यस, बहुत ही ज़्यादा गर्मी और बहुत ही ज़्यादा ठंड ये दोनों देखने को मिलता है डेजर्ट में, तो ट्रू होगा। ईस्टर्न राजस्थान इज़ अ वास्ट डेजर्ट। ईस्टर्न राजस्थान को वास्ट डेजर्ट कहा जाता है, तो नहीं, फॉल्स। डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, तो फॉल्स। नहीं, डेजर्ट में हाई ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ही कम है। द इंदिरा गांधी कैनाल ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द सतलज रिवर। इंदिरा गांधी कैनाल में जो पानी देखने को मिलता है, क्या वो सतलज नदी का पानी है? तो यस, ट्रू। मेनी बिग रिवर्स फ्लो थ्रू द इंडियन डेजर्ट। बड़ी बड़ी नदियाँ जो हैं वो इंडियन डेजर्ट से होते हुए बहती है, तो नहीं, फॉल्स। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। स्टेट सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेजर्ट्स। स्टेट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट। रेगिस्तानों की कुछ विशेषताएं बताएं। रेगिस्तानों की कुछ विशेषताएं ये है। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट आर एज फॉलोज। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा तापमान बढ़ जाना या फिर बहुत ही कम तापमान होना। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का होना। अब्सेंस ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर की कमी होना। ड्राउट यानी कि सुखाड़ आना। तो ये थी कुछ विशेषताएं जो डेजर्ट में देखने को मिलती है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो मेन क्रॉप्स है, मेन फसल जो है वो कौन सा है? तो राजस्थान की जो मुख्य फसल जो है, द मेन क्रॉप्स ऑफ राजस्थान आर वीट, मेज, मिलेट, ग्राम, जो कि कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ओएसिस के पास जो है वो देखने को मिलते हैं। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज दैट हु आर बंजारस। बंजारस कौन है? हाउ डू दे अर्न देयर लिविंग। वे लोग अपने जीविका को चलाने के लिए क्या करते हैं? बंजारस वेयर नोमेडिक ट्राइब अर्न देयर लिविंग बाय हर्डिंग एनिमल्स, परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, दे वेयर पेस्टोरलिस्ट। बंजारस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। बंजारस जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, सामानों को पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और बंजारस को हम लोग पेस्टोरलिस्ट भी कहते हैं, चरवाहे भी कहते हैं। वाट टाइप ऑफ क्लॉथ डू पीपल वियर इन डेजर्ट। रेगिस्तान में लोग किस तरह के कपड़े जो है वो पहनते हैं? द पीपल लिविंग इन दीज एरियाज यूजुअली वियर लूज फिटिंग हैवी रोप्स एंड कीप देयर हेड कवर। रेगिस्तान में लोग ढीले वाले कपड़े पहनते हैं और अपने हेड को वो लोग कवर कर लेते हैं, अपने सिर को वो लोग कवर कर लेते हैं कपड़े से। दीज टाइप्स ऑफ क्लॉथ प्रोटेक्ट दीज पीपल फ्रॉम द हॉट विंड ऑफ द डेजर्ट एंड द डस्ट ऑफ द सर्फेस। इस तरह के कपड़े उन्हें गर्मी से बचाते हैं और साथ ही साथ डस्ट यानी कि धूल वगैरह से भी बचाते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी यहाँ पर एंड हुआ और सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में ही बेल आइकन है, उसे ज़रूर आप प्रेस करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड गुड बाय।